गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन योर ईवीएस क्लास वी रीड चैप्टर नंबर 5 कुकिंग फूड। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मीन्स पचाना, इजी आसान, सॉफ्ट मुलायम या फिर नरम। कुकिंग जो है खाने को, कुकिंग मीन्स पकाना, पकाने से खाना क्या हो जाता है हमारा, आसान हो जाता है पचाने में, सॉफ्ट हो जाता है, वो हार्ड नहीं रहता और उसको पचाना फिर इजी हो जाता है हमारे लिए। इट आल्सो मेक्स फूड टेस्टी, और कुकिंग से खाना जो है वो टेस्टी भी हो जाता है, स्वादिष्ट भी हो जाता है। फूड इज कुक्ड इन डिफरेंट वेज, खाना अलग अलग प्रकार से पकाया जाता है। लेट अस फाइंड अबाउट इट, आइए इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। वेज ऑफ कुकिंग, कुकिंग के तरीके। देयर आर मैनी वेज ऑफ कुकिंग फूड, कुकिंग के कई सारे तरीके होते हैं, खाना पकाने के कई तरीके होते हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, जिनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है, बॉइलिंग मीन्स उबालना। व्हेन सॉलिड फूड इज हीटेड इन वाटर बबल्स ऑफ हॉट एयर मूव्स फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस, सॉलिड फूड को जब हीट किया जाता है वाटर में यानी पानी में, उसको गर्म किया जाता है और उस पानी में से जो है बबल्स निकलते हैं, कैसे, बाफ से निकलती हैं, गर्म हवा के बबल्स जो उस पानी के नीचे से निकलते हैं और उस पवक को क्या उबालते हैं, जो खाना होता है हमारा उसको उबालते हैं वो। दिस इज बॉइलिंग, ये क्या कहलाती है, बॉइलिंग कहलाती है। एंड इट किल्स द जर्म्स इन द फूड, ये बॉइलिंग कहलाती है और ये क्या करती है, जो फूड में जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको किल कर देती है, मार देती है। लिक्विड्स लाइक मिल्क आर बॉइल्ड विदाउट वाटर, लिक्विड जैसे कि दूध है हमारा, उसको हम बिना पानी के उबाल सकते हैं। बॉइलिंग कैन बी डन इन एनी डीप पैन और पतीला, बॉइलिंग किस में की जाती है, डीप पैन, या तो गहरा कोई पैन हो, फ्राइंग पैन जो होता है, या फिर कोई पतीला हो, जैसे हम चाय बनाते हैं वो हमारा पतीला होता है, ये इस टाइप के। राइस पल्सेस मीट एंड वेजिटेबल करीज आर कुक्ड दिस वे, चावल दालें मीट और वेजिटेबल करीज जो होती हैं ये क्या होते हैं, इस तरीके से कुक किए जाते हैं, पकाए जाते हैं, कौन से तरीके से, बॉइलिंग से। टी एंड कॉफ़ी आर मेड विद बॉइल्ड वाटर, चाय और कॉफ़ी जो है वो भी बॉइल्ड वाटर यानी उबाले हुए पानी के साथ बनती हैं, पहले पानी को उबालना पड़ता है तभी चाय और कॉफ़ी बनती हैं। आगे है स्टीमिंग, इडलीज ढोकलाज खांडवी राइस एंड मोमोज आर कुक्ड बाय स्टीमिंग, तो ये कुछ डिशेज़ के नाम बताएं जो क्या होते हैं, स्टीमिंग के द्वारा बनते हैं, जैसे कि इडली ढोकला खांडवी राइस और मोमोज। ए स्टीमर ए प्रेशर कुकर और जस्ट ए स्मॉलर वेसल इन ए बिगर वेसल ऑफ वाटर इज यूज्ड टू स्टीम फूड, या तो कोई स्टीमर यूज़ किया जाता है खाने को स्टीम करने के लिए, या फिर
प्रेशर कुकर या फिर कोई बड़े वेसल के ऊपर, यानी बड़ा बर्तन है उसके ऊपर बाफ निकल रही है, उसके ऊपर जो हमें स्टीम करना है जो भी खाना, उसको छोटे बर्तन में डाल कर उसको रख दिया और वो स्टीम की हेल्प से जो गर्माहट उसको मिलेगी उससे वो पकेगा। ये होता है हमारा स्टीमिंग। अभी नेक्स्ट पेज पे चलिए बेटा। नेक्स्ट है हमारा फ्राइंग। फूड इज कुक्ड बाय फ्राइंग इट इन ऑयल। खाने को जब तेल के अंदर तल कर बनाया जाता है, फ्राइंग मीन्स तलना, तो क्या होता है वो फ्राइंग कहलाएंगे हम। दिस नीड्स ए वाइड बट डीप वेसल कॉल्ड ए वोक और कढ़ाई। कढ़ाई मीन्स कढ़ाई हमारी। इस काम के लिए क्या चाहिए, हमें गहरा बर्तन चाहिए जिसके में कि हम अपना तेल उबाल सके, और चौड़ा भी होना चाहिए वो, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल संकरा हो वो चौड़ा भी होना चाहिए और गहरा भी होना चाहिए, जैसे कि हमारी कढ़ाई होती है। पूरीज पकौड़ाज समोसाज फ्रेंच फ्राई आर सम फ्राइड फूड्स। जो ये बताए डिशेज के नेम, जैसे कि पूरी पकोड़े समोसे फ्रेंच फ्राइज, ये क्या होते हैं फ्राइड फ्रूड है हमारा, फ्राई किया हुआ है, फ्राई यानी कि डीप तेल में इसको वो किया गया है इनको। डीप फ्राइंग इज वैन फूड इज फ्राइड इन ए लॉट ऑफ हॉट ऑयल लाइक पकोड़ाज। डीप फ्राइंग क्या होती है, जब खाने को बहुत सारे तेल में बहुत सारे गर्म तेल के अंदर डाल दिया जाता है और वो उसके अंदर उबल उबल कर पकता है, ठीक है, उसके अंदर वो फ्राई होता है, वो क्या कहलाएगा डीप फ्राइंग कहलाएगा। जैसे कि पकोड़े शैलो फ्राइंग इज वैन फूड इज कुक्ड इन लैश ऑयल लाइक पराठाज। शैलो फ्राइंग क्या होती है, जैसे कि हम पराठा बनाते हैं, पराठा बनाते हैं तो उसके ऊपर दोनों तरफ हम ऑयल या घी जो भी यूज़ करते हैं वो लगाते हैं, लेकिन उस जो पराठा है उसको हम बिल्कुल घी के अंदर या तेल के अंदर बिल्कुल अंदर नहीं डालते, उसको उसके ऊपर से लगाया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा शैलो फ्राइंग कहलाएगा। ईटिंग टू मच फ्राइड फूड इज नॉट हेल्दी एज इट कंटेन्स हार्मफुल फैट। ज़्यादा मात्रा में फ्राइड फूड खाना शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता, पौष्टिक नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है हार्मफुल फैट, अच्छी जो है ज़्यादा अच्छी मात्रा की फैट जो है वसा नहीं होती। द बेस्ट वे टू फ्राई फूड इज बाय स्टिर फ्राइंग। फ्राई फूड को फ्राई करने का बेस्ट वे क्या होता है, स्टिर फ्राइंग होता है। दिस इज वैन फूड इज कुक्ड इन वेरी लिटल ऑयल ओवर हाई हीट। और स्टिर फ्राइंग क्या क्या होती है, जब खाने को जो है बहुत ही कम तेल में, बहुत कम मात्रा के तेल में बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा हीट पर उसको बनाया जाता है, वो क्या कहलाएगी स्टिर फ्राइंग कहलाती है। और ये स्टिर फ्राइंग से बना हुआ फ्राइड फूड ही हमारे लिए अच्छा होता है, डीप फ्राइंग और शैलो फ्राइंग के अकॉर्डिंग। अब है ग्रिलिंग। व्हेन फूड इज कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट इट इज ग्रिल्ड। जब खाने को डायरेक्ट हीट के ऊपर कुक किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रिल्ड कहलाएगा। दिस इज ए फास्ट वे ऑफ कुकिंग। यह क्या है, कुकिंग का फास्ट वे है, यानी कि जो जो क्योंकि जलती हुई आग पर या फिर कोलों की जो आंच होती है उस पर रखेंगे तो खाना हमारा जल्दी पकेगा किसी बर्तन में डालकर पकाने के अकॉर्डिंग। इट कैन बी डन डायरेक्टली ऑन ए फ्लेम इन एन इलेक्ट्रिक ओवन और ए कोयल ओवन कॉल्ड तंदूर।
इसमें क्या किया जाता है कि इसमें डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर खाने को रखा जाता है, जैसे कि तंदूर। तंदूर में आपने देखा होगा हमारी जो नान बनती है, मेसी रोटी जो बनती है, उनको जो तंदूर के अंदर आँच होती है, वो तेज़ आँच होती है, वो कोयले की लगाओ या फिर काओ डंग वगैरह की, वो जो आँच होती है उसके ऊपर डायरेक्ट हीट के ऊपर उसको डाल दिया जाता है, तो वो जल्दी जल्दी बनती है। फिर मीट, फिश एंड इवन वेजिटेबल्स कैन बी ग्रिल्ड। मीट को, फिश को और कुछ वेजिटेबल्स को भी ग्रिल्ड करके बनाया जा सकता है। आगे है रोस्टिंग। मीट, फिश और वेजिटेबल्स कैन बी रोस्टेड इन ए पॉट और ऑन एन ओवन। मीट को, फिश को, वेजिटेबल्स को रोस्ट किया जा सकता है किसमें, एक पॉट में। पॉट मतलब कि जो मटका होता है हमारा, उसमें या फिर कोई ओवन उसके अंदर। अर्लियर वैन कोयल और वुड बर्निंग चूलाज वर इन यूज, फूड वाज रोस्टेड इन द हॉट एस ऑफ दीज चूलाज। पुराने समय में जब चूल्हा जलता था या तो लकड़ी की या फिर वुड की जो बर्निंग जो चूल्हे होते थे लकड़ी से या फिर कोयले से चलते थे जो, वो उसके ऊपर जो है उसकी जो गर्म ऐस होती थी उस पर भी रोस्टिंग का काम किया जा सकता था, जैसे कि चपातीज, पफ्ड राइस, कैज्यू नट्स, आलमंड्स, पॉपकॉर्न एंड रोस्टेड ग्राम आर कुक्ड दिश वे। चपातीज यानी जो रोटियां हमारी बनती हैं वो पफ्ड राइस, कैज्यू नट, आलमंड, पॉपकॉर्न, जो हम जो आपने पॉपकॉर्न तो खाए होंगे, तो पॉपकॉर्न वगैरह ये जो बनते हैं ये किससे कौन सी प्रक्रिया से बनते हैं, रोस्टिंग से बनते हैं। आगे हमारा बेकिंग। दिस इज वैन फूड इज कुक्ड इन एन ओवन। ये क्या होता है, बेकिंग क्या होती है, जब खाने को ओवन के अंदर पकाया जाता है। एज बेकिंग नीड्स वेरी लिटल और नो फैट फूड कुक्ड दिस वे इज हेल्दी। कुक इसमें जो खाना बनाया जाता है ओवन के अंदर, इसमें जो है बहुत ही कम या फिर ना के बराबर फैट होती है, वसा होती है, तो ये खाना हेल्दी होता है। वी बेक ब्रेड्स केक्स कुकीज़ वेजिटेबल्स मीट एंड फिश। हम इसमें क्या क्या ओवन में क्या क्या केक कर बेक कर सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं, बेक करके ब्रेड बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, कुकीज़ बना सकते हैं, वेजिटेबल मीट एंड फिश हम क्या कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। वाटर इज नॉट नीडिड व्हेन फूड इज ग्रिल्ड रोस्टेड और बेक्ड। पानी की ज़रूरत नहीं होती जब खाने को ग्रिल किया जाता है, रोस्ट किया जाता है या फिर बेक किया जाता है, तो ये ग्रिलिंग रोस्टिंग एंड बेकिंग, इधर ग्रिलिंग रोस्टिंग एंड बेकिंग जो है थ्री प्रोसेस हुई है हमारी, इन तीनों में हमें वाटर की ज़रूरत नहीं होती खाना बनाने में। ये तो थी हमारी खाना बनाने के अलग अलग तरीके। अब है प्रिजर्विंग एंड फ्रीजिंग। प्रिजर्विंग मीन्स संरक्षण और फ्रीजिंग उसको संरक्षित करके रखना, किसको, खाने के बारे में, खाने का संरक्षण कैसे करके रखें। पिकल्स जैम्स एंड जेलीज आर मेड दिस वे। पिकल्स यानी कि अचार है, जैसे कि जैम है, जेलीज है, ये इस तरीके से बनी है। ड्राइंग एंड कैनिंग ऑफ फूड प्रिजर्विंग इट। इस टाइप के खाने को प्रिजर्व करने के लिए यानी संरक्षित करने के लिए, ज़्यादा समय तक चलाने के लिए, कि ये हमारा जल्दी ख़राब ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, इसको अच्छे से सुखाया, अच्छे से बनाया जाता है और इसको कैनिंग यानी डब्बे वगैरह में अच्छे से इसको रखा जाता है, जिससे कि ये जल्दी से ख़राब ना हो। वी कैन ईट सच फूड लॉन्ग आफ्टर इट हैज़ बीन मेड। हम इस तरीके के खाने को इसके बनने के काफ़ी लंबे समय बाद भी खा सकते हैं। सम फूड
आर फ्रोजन बिफोर बींग इटन. फ्रोजन मीन्स उनको जमाया जाता है पहले, ठीक है. तो कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको फ्रोजन किया जाता है खाने से पहले, जैसे कि आइसक्रीम्स, सम डेजर्ट्स एंड कोल्ड सलाद्स आर एग्जांपल्स. जैसे कि आइसक्रीम, सम डेजर्ट्स यानी कि कुछ मीठा, जैसे कि हमारी गुलाब जामुन है जिनको वो किया जाता है, ठंडा किया जाता है खाने से पहले. सर्दी में हम गर्म करके खाते हैं, गर्मी में मोस्टली हम उसको ठंडा करके खाते हैं. रसगुल्ला है हमारा, और भी डेजर्ट हैं जैसे खीर है. कई किसी को गर्म खाना पसंद है तो किसी को ठंडा, वो उसको ठंडा करके फ्रोजन करके खाते हैं. तो ये है फ्रीजिंग का हमारा. अब है किचन्स. इन विलेजेस फूड इज कुक्ड ऑन क्ले चूल्हास और तंदूर्स यूजिंग वुड कोयल और काउडंग केक्स. इन विलेजेस यानी गाँव में खाना कैसे बनाया जाता है, क्ले चूल्हास मिट्टी के चूल्हे पर या फिर तंदूर का यूज़ करके, और उनमें ईंधन जो होता है, फ्यूल जो होता है, वो क्या यूज़ किया जाता है, या तो लकड़ी या फिर कोयला या फिर काउडंग केक यानी कि गाय के गोबर से बने उपले जो हमारे होते हैं. केरोसिन स्टोव्स आर यूज्ड टू. केरोसिन स्टोव यानी कि मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव जो होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं. काउडंग इज आल्सो यूज्ड टू मेक गोबर गैस विच इज़ क्लीनर एंड चीपर. काउडंग गाय का गोबर जो है गोबर गैस बनाने के लिए भी प्रयोग करता है, जो कि साफ भी है और चीपर भी है, यानी ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी नहीं होती, ज़्यादा महंगा भी नहीं होती गोबर गैस बनाना. इन सिटीज़ एंड टाउन्स एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस स्टोव्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स, माइक्रोवेव एंड इलेक्ट्रिक ओवंस आर यूज्ड फॉर कुकिंग. इन सिटीज़ यानी शहरों में और नगरों में क्या यूज़ किया जाता है खाना पकाने के लिए, एलपीजी स्टोव यानी कि जो हमारी गैस सिलेंडर होता है, जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें क्या भी दी जाती है, एलपीजी गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो हमारे स्टोव होते हैं वो होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं जिनमें खाना पकाते हैं. सोलर कुकर यूज़ द हीट फ्रॉम द सन टू कुक फूड. सोलर कुकर का भी यूज़ किया जाता है जिससे कि सन से वो एनर्जी लेकर, उसके गर्माहट लेकर जो है खाने को बनाता है. दे आर बेटर एज दे डू नॉट सेपरेट पोल्यूटेड एयर. ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, पोल्यूशन नहीं करते हवा में, हवा में प्रदूषण नहीं फैलाते. दे आर चीपर टू और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, ये सस्ते होते हैं. किचन टूल्स लाइक द ग्रिंडिंग स्टोन्स एंड पेस्टल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ईयर्स. किचन टूल्स यानी किचन में प्रयोग होने वाले टूल्स जैसे कि ग्राइंडिंग स्टोन है, पेस्टल है, ये क्या है, बहुत सालों से यूज़ होते आ रहे हैं. ग्रिंडिंग स्टोन क्या होता है बेटा हमारा, जो आपने देखा होगा अब तो बहुत कम मिलता है, सिलबट्टा जो होता था, एक बड़ा सा पत्थर होता था, उसके ऊपर एक गोल गोल सा पत्थर होता था जिस पर कि मसाले पीसे जाते थे, या और पेस्टल क्या होता था हमारा, लोकल लैंग्वेज में बोले तो एक उसकी पत्थर की एक कुंडी होती थी और काठ का एक डंडा सा होता था, कुंडी सोटा जिसको बोलते हैं. तो ये क्या किए जाते थे, टूल किचन टूल्स के रूप में यूज़ किए जाते थे. नाउ पीपल यूज़ मिक्सर्स ग्राइंडर्स एंड टोस्टर्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. और आजकल के ज़माने में क्या यूज़ करने लगे हैं उनकी जगह, मसाले पीसने के लिए उनकी जगह क्या यूज़ करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर या फिर टोस्टर उनको जगह पर यूज़ करने लगे हैं, जो किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलते हैं. द प्रेशर कुकर इज़ ए कॉमन वेसल इन ऑल किचन्स. प्रेशर कुकर जो है वो कॉमन वेसल, कॉमन बर्तन हो चुका है सभी किचन्स में.
मोस्टली कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मेटल्स क्ले पोर्सिलियन और ग्लास। मोस्टली जो कुकिंग वेसल होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेटल से, क्ले से, पोर्सिलियन से या फिर ग्लास से। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कुकिंग इज डन इवन इन केन वेसल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो कुकिंग जो है उनमें मोस्टली जो किस में की जाती है, कैन वेसल में, जो ये हमारे कैन होते हैं जैसे कि लोहे की जो टीन होती है, हमारे कैन जो होते हैं उनके अंदर की जाती है। स्पेशल वेसल्स आर यूज्ड फॉर सर्टेन डिशेस। स्पेशल वेसल यानी कि कुछ विशेष बर्तन यूज़ किए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर कुछ विशेष डिशेस बनाने के लिए, कुछ विशिष्ट व्यंजन बनाना हो तो स्पेशल प्रकार का एक स्पेशल बर्तन प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आगे जो चैप्टर रह गया वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। यहाँ किचन्स तक ही आपको पेज नंबर 23, 24 एंड 25 पे यहाँ तक आपको इसको रीड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।